पठानकोट के फिशरी में मौजूद हूँ। और यहाँ मैं आकर देख रहा हूँ कि समंदर की तूफानी और जो लहर है वो इस वक्त हो रही है। फिशरी के अंदर पानी बड़ी तादाद में अंदर दाखिल हो रहा है और लोगों को माहीगिरी पर जो परेशानियाँ मसला हो रहा है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी समंदर की लहरें काफ़ी ऊपर उठ चुकी है और ये पानी इस वक्त फिशरी के अंदर दाखिल हो रहा है। इस पर माहिगिरों को जो है परेशानी भी हो रही है। हुकूमत गवर्नमेंट सिंध ने भी ये ऐलान किया है कि 3 दिन तक समंदर की लहरें ऊपर उठेगी, लिहाजा तमाम माहिगिरों से मेरी इल्तिजा है, इब्राहिम हैदरी और लटबस्ती और चश्मागोट के माहिगिरों से मेरी ये बरजोर अपील है, अर्ज है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो ना आप लोग समंदर में शिकार करने के लिए ना जाएं, क्योंकि हादसा हो सकता है, तबाही और बर्बादी भी हो सकती है। इस वक्त नाज़रीन देखें, मैं समंदर के फिशरी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, जहाँ पर माहिगिरों के लाशें खड़ी है और फिशरियाँ भी खड़ी है और इस वक्त पानी बिल्कुल फिशरी के अंदर दाखिल हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ये नाज़रीन देखें, सारे लाशें बिल्कुल किनारे पे आ चुके हैं और ये लोग पानी किस तरीके से अपने मालों को जंगले अंदोज कर रहा है। और मैं तमाम माहीगिरों से यही गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी 3 दिन तक समंदर में शिकार करने के लिए ना जाएं, क्योंकि इसमें जान का नुकसान और माल का भी नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारी तरफ चश्मागुड़ की तरफ सैलाब आया हुआ है, ये समंदर के पानी यहाँ पर सब डूब गया है। यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाला कोई बंदे है नहीं। यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में सब बोलते हमें वोट दो, हमें वोट दो। अब यहाँ पर देखे पूरा डूब रहा है, यहाँ पर पूरा इलाका ये देखो। ये फौरी तौर पर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, वो आगे तक पहुँचाए। जफर वहाँ होते हैं तो आया लिखिए थे लिखते बताओ उनके अब कौन आए वोट के बारे में क्या लोग क्या लगा जो ये तो पक्षी रोड आते जगह तो कटी लम खाई नहीं डाले गाने बजना है इंग्लैंड करा बोल Yeah.
से ले रहे हैं, बड़ा बढ़ा रहे हैं। से ले रहे हैं, बड़ा बड़ा रहे वाला। बोर्ड के बारे में कहो क्या हाल है तो जो
बाकी लोग तो जगह तो कटी लम खाए नहीं डाले गाले बजना है मुझे घर आ